in this video, we will discuss compensation criteria of social welfare. this is part one of the six videos. in this video, we will discuss the introduction of this criteria. part two is related with the assumptions of compensation criteria. part three shows kelder-hex welfare criterion. part four shows Sitovsky paradox. Part 5 discusses Sitovsky double criterion, and finally, there is the criticism in part 6. So, here we introduce compensation criteria of social welfare in this part 1. Preto Criterion. Wilfredo Preto was an Italian engineer, sociologist, economist, political scientist, and philosopher. He made several important contributions to economics, particularly in the study of income distribution and in the analysis of individuals' choices. Preto Criterion states that an economic change. Which harms no one and makes someone better off indicates an increase in social welfare. वेलफेयर का जो क्राइटेरियन है जो हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है हमारे जनरल इक्लिब्रियम की वीडियोस में प्रीटो के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर सपोज ये हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाएं ये एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या है कैसे बनती है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जनरल इक्विलिब्रियम के वीडियोस हैं सेवन वीडियोस हैं उसके सेवन पार्ट्स हैं सपोज दिस इज द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू प्रिटो क्राइटेरिया जैसे जहाँ पर लिखा हुआ है अगर मान लो हम इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर नहीं हैं कहीं और प्लेस पर हैं मान लो यहाँ पर हैं तो यहाँ से अगर हम इस कर्व के ऊपर आते हैं तो या तो ए को बेनिफिट होगा बी को कोई लॉस नहीं होगा या बी को बेनिफिट होगा ए को कोई लॉस नहीं होगा या दोनों को बेनिफिट होगा अगर हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं एन इकनॉमिक चेंज इकनॉमिक चेंज मीन्स यहाँ से यहाँ पर आना विच हार्म्स नो वन क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व से जब हम ऑन द कंट्रैक्ट कर्व आएंगे इट विल हार्म नो वन किसी का लॉस नहीं होगा एंड मेक्स सम वन बेटर ऑफ तो इट मीन्स सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा जब हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे ये है पीटो क्राइटेरियन But Preto Criterion fails to say as to whether or not social welfare increases as movement is made in either direction along the Edgeworth contract curve. Edgeworth Francis Citro Edgeworth was an Anglo Irish philosopher and a political economist. He developed utility theory.

क्राइटेरियन में हमने क्या देखा क्राइटेरियन में अगर हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्ब के ऊपर नहीं हैं यहाँ से अगर हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्ब के ऊपर आते हैं तो सोशल वेलफेयर में इंक्रीज होता है बट क्राइटेरियन ये नहीं एक्सप्लेन करता कि अगर हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्ब के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं प्रिटो के अकॉर्डिंग अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो इस एक्सचेंज का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इस एक्सचेंज के साथ अगर एक को बेनिफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा बट प्रिटो ये नहीं बताते कि अगर हम ये मूवमेंट करते हैं तो क्या वेलफेयर में इंक्रीज हुआ या नहीं वेदर और नॉट सोशल वेलफेयर इनक्रीज एज मूवमेंट इज़ मेड इन आइदर डायरेक्शन अलॉन्ग द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व में चाहे हम यहाँ से यहाँ पर जाएँ चाहे हम यहाँ से यहाँ पर जाएँ तो अगर हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करें तो क्या वेलफेयर बढ़ेगा या नहीं ये परिटो नहीं बताते क्योंकि जो वेलफेयर थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम है जो वेलफेयर थ्योरम फर्स्ट थ्योरम प्रीटो की ये है कि ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व से ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व जाने में एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर प्रीटो द्वारा पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज है यहाँ से यहाँ पर जाना या यहाँ से यहाँ पर जाना जिसको इक्विटी कहते हैं सेकेंड थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की वो ये प्रीटो एक्सप्लेन नहीं करते क्यों नहीं एक्सप्लेन करते बिकॉज़ इट रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ़ इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ़ यूटिलिटी तो इसमें जब यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे तो एक पर्सन को बेनिफिट होगा दूसरे को लॉस होगा तो जो बेनिफिट जिसको होगा उसको क्या यूटिलिटी मिली जो जिसको लॉस हुआ उसने क्या लूज़ किया उसको क्या यूटिलिटी का लॉस हुआ ये यूटिलिटी का जो कंपैरिजन है वो प्रीटो ने नहीं किया उस वजह से प्रीटो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ऑन द एज वर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर जब हम ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं तो क्या सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है या नहीं लाइक कैल्डर हिक्स सिटोवस्की इवेलुएटेड द चेंजेस इन सोशल वेलफेयर रिजल्टिंग फ्राम एनी इकनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन विच हार्मबडी एंड बेनिफिट्स दब ये जो कुछ इकोनमिस्ट हैं कैल्डर हेक्स सेटोवस्की इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो चेंजेस आएंगी जिसमें विच हार्म बड़ी किसी को लॉस होगा एंड बेनिफिट्स द अदर किसी को फ़ायदा होगा तो इन चेंजेस से सोशल वेलफेयर बढ़ेगा या कम होगा इसका जो अनालिसिस है वो कैल्डर हिक्स एंड सिटोवस्की ने किया है निकोलस कैलडर वाज़ अ कैम्ब्रिज इकॉनमिस्ट इन यूके ही वाज़ इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू टू डिज़ाइन एंड एक्सपेंडिचर टैक्स सिस्टम फॉर इंडिया इन द नाइनटीन Sir John Hicks was a British economist the most familiar of his many contributions in the field of economics were his statement of consumer demand theory ISLM model the general equilibrium in 1939 he wrote a famous book value and capital the compensated demand curve is named the hicksian demand curve in memory of him in 1972 he received the nobel memorial prize in economic sciences for his pioneering contributions to general equilibrium theory and welfare theory. Hicksian trade cycle theory is based on the combination between multiplier accelerator interaction and Harry Domer growth model. Tiber Skatovsky was a Hungarian born American economist who was best known for his writing on the nature of people's happiness in relation to consumption. तो ये जो इकोनमिस्ट हैं कैल्डर हिक्स एंड सिटोवस्की इन्होंने ये स्टडी किया है कि जब हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर किसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो क्या वेलफेयर होगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज़ होगा तो वेलफेयर में क्या चेंज आएगी तो उस चेंज की स्टडी जो है वो इन्होंने की है देर क्रेडेरियन दैट मीन्स द क्राइटेरियन गिवन बाई कैल्डर की इज नोन एज कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया और कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल तो इसको कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल कहते हैं जो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के बाकी वीडियोज में टोटल सिक्स वीडियोज़ हैं ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था और फॉर द कम्प्लीट एक्सप्लेशन ऑफ कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया मस्ट वॉच ऑल दिक्स वीडियोज Thank you. Thanks for watching this video.